हेलो, अपने आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 का बचा हुआ भाग और आज आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चैप्टर 8 प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रतिभाशाली बालकों का उपचार कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रतिभाशाली बालक के बारे में पहले हम जान लेते हैं। प्रतिभाशाली बालक ऐसे बालक होते हैं जो विशिष्ट गुण, विशिष्ट योग्यता और विशिष्ट क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। वैसे ही बालक को प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। वो सामान्य बालकों से अलग होते हैं और ऐसे बालक को जो है सो समान कक्षा में रहना पसंद नहीं होता। वो समान कक्षा में रहकर विकृत प्रवृत्ति को, विपरीत व्यवहार को प्रकट करते हैं। वो गलत संगत में आ जाते हैं अगर उनको, और उनको जो है समान कक्षा में मन नहीं लगता है। इस कारण जो है उनका मार्ग जो है सो भटक जाता है इधर उधर और वह गलत संगत में आता है और बाल अपराधी भी बन जाते कभी कभी। तो इस तरह से आप प्रतिभाशाली बालक के बारे में जाने और इसके जो है सो उपचार के शिक्षण के बारे में हम जान लेते हैं कैसे उपचार किया जा सकता है। तो पहला है व्यवस्थित सामग्री से पढ़ाना चाहिए, मतलब कि जो उनकी योग्यता है, जो क्षमता है प्रतिभाशाली बालक की, और जो योग्यता है, जो उसका जो गुण है और उनकी क्षमता के अनुसार ऐसा व्यवस्था करना चाहिए जो बच्चे को, प्रतिभाशाली बालक को उनके योग्यता के अनुसार वो शिक्षण मिल सके। उसके बाद है विभिन्न विधि का प्रयोग, विभिन्न प्रकार के विधि के प्रयोग से बच्चों को, प्रतिभाशाली बालक को पढ़ाना चाहिए ताकि उसको, उनको जो है शिक्षण उभाव न महसूस हो। जैसे कि निगरण विधि, संश्लेषण विधि, प्रोजेक्ट विधि, अन्वेषक या खोज विधि जो है सो आपको इस तरह से बच्चों को ज्ञान को सृजित करता है और आगे बढ़ाने की ओर ले जाता है। और तो मूल्यांकन हेतु विशेष परीक्षा का आयोजन, मूल्यांकन हेतु विशेष परीक्षा का आयोजन, बच्चों का जो मेधावी छात्र होते हैं, जो विशिष्ट और प्रतिभा बालक होते हैं, उनका मूल्यांकन हेतु विशेष परीक्षा का आयोजन करना चाहिए। उसके बाद है गणित का इतिहास, अगर बच्चे को गणित का पाठ्यक्रम में पढ़ा रहे हैं तो गणित संबंधी उसका इतिहास भी बताना चाहिए, उसका विकास, गणित का विकास कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ाना चाहिए। उसके बाद गणित से संबंधित पत्रिकाएँ और साहित्य को भी बच्चों को बचाना चाहिए ताकि उसका समझ जो है और तर्क शक्ति का विकास और ज़्यादा हो सके। उसके बाद है लिखित गणित पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए तथा एक ही समस्याओं को विभिन्न तरीकों से हल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लिखित गणित जैसे कि मौखिक और भाषिक गणित नहीं बल्कि वह लिखित गणित, जैसे लिखित गणित किसी भी चीज़ को लिख कर हम अपने ज्ञान को ज़्यादा अस्थायी बना लेते हैं। तो लिखने से शुद्धता भी आती है बच्चों को और शुद्धता के साथ साथ एक ही समस्या को बार बार हल करने का हुनर भी बच्चे के अंदर में आता है। उसके बाद है आविष्कारों तथा खोजों को बढ़ावा देना, जैसे कि प्रतिभाशाली बालक के बारे में जानते हैं वह खोज, उनकी जो रुचि होती है खोज में ज़्यादा होती है, और किसी भी विषय वस्तु को खोज कर तर्क शक्ति का उपयोग कर समस्या का समाधान करना चाहते हैं और उनको जो है सो उस रुचि को क्या करना चाहिए, बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए, उनको अंदर जो आविष्कारों तथा खोजों को बढ़ावा देना चाहिए। इस तरह से आज आपका जो है चैप्टर 8 समाप्त हो गया। अगर इस वीडियो में आपको एक भी पॉइंट अगर अच्छा होना चाहिए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।